खरगोन जिले के बरूड थाना क्षेत्र के ग्राम सिंखेड़ा के समीप मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में करीब 21 मजदूर घायल हुए। वाहन में 40 से अधिक मजदूर सवार थे। घायलों के मुताबिक खेतों में मजदूरी के लिए जा रही थी, इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची और 108 के माध्यम से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। सभी मजदूर डोंगर चेचली के निवासी थे। मजदूरों के अस्पताल पहुंचने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरीजों की अधिक संख्या होने से जमीन पर लेटकर उपचार किया गया। चिकित्सा पंकज महाराज ने बताया, 5 मरीजों की हालत गंभीर है, जबकि शेष की हालत प्राथमिक उपचार के बाद ठीक है। ये घटना सिंखेड़ा फाटे पे पिकअप पलटी आ गई है, जिसमें 21 लोग तो घायल यहाँ आ गए हैं, जो उपचार चल रहा है। ये सिंखेड़ा के पास बरुड़ फाटे के पास एक पिकअप वाहन पलट गया है। ये मजदूरों के लिए ले जा रहे थे, शायद बच्चे हैं इनमें, ज़्यादातर बच्चे हैं और महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी हैं। इनका 21 लोग हमारे यहाँ लाए गए हैं, 21 लोग भर्ती किए गए हैं, 10 लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया है। अभी तक 4 लोगों को इंदौर रेफ़र किया गया है, बाकी कर रहे हैं, अभी उपचार चालू है। जो 4 लोगों को रेफ़र किया गया है उनकी संभावना हो सकती है ना। किस प्रकार की स्थिति ज़्यादा जो 2-4 हैं उनकी तो परिस्थिति थोड़ी सी हेड इंजरी, मतलब सिर में चोट है उनको, बाकियों की तो हालत ठीक है। बाकियों को तो हो सकता है प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया जाए। डॉक्टर पंकज महाजन। यह ग्राम पंचायत डोंगरचिल्ली से मजदूर आ रहे थे बरूड क्षेत्र में, जो कि सिंखड़ा में के आसपास पिकअप पलटी खा गई थी, तो उसमें बहुत से 60-70 मजदूर भी थे और 10-15 जन घायल भी हुए, जो 1-2 जन गंभीर रूप से ज़्यादा घायल है। कहाँ इलाज चल रहा है? ये ग्राम पंचायत अपना खरगोन जिला चिकित्सालय में। कहाँ जा रहे थे मजदूर? आ रहे थे कहाँ पे जा रहे थे? खेत में काम करने के लिए जा रहे थे, अपने जो भी मिर्ची तोड़ा या भट्टिया पिपरी की तरफ आसपास। घायलों में सब बालिकाएं हैं और बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वही बच्चे भी हैं, बहुत सारे 2-3-4 जन। सबकी हालत ठीक है क्या? हाँ ठीक है, पर 2-3 जन गंभीर रूप से घायल हैं। क्या नाम है? कुमार रावत, जेएस जिला उपाध्यक्ष, खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।